तो फ्रेंड्स, कल का ब्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म हुआ था और यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और अभी मैं खिलाने जा रही हूँ नए वाले घर में ना, कन्याओं को भोजन कराना है। कन्याएं हैं और अपनी भी खुद की फैमिली है, रिंकी दी की फैमिली और रितु दी की फैमिली, और जो मेरी बुआ सास हैं ये भी आ गए थे, चाची सास, सब लोग थे। तो सब लोग खाना पीना खा के ही गए थे। तो यहाँ मैं कन्या को भी खिला रही हूँ। आंटी आ गई थी तो प्रिंसू को लेकर बैठ, तो मैंने कहा आंटी आप भी खाना खा कर जाइए। कहते हैं ना नए घर में कन्याओं को खिलाना ज़रूरी रहता है। कन्याओं के साथ में कहते ना बरुआ भी आ गए थे, तो वो भी बैठे हुए हैं। तो बस फटाफट से इनको खिलाते हैं खाना। कन्याओं ने अभी खाना खा लिया था, फिर इसके बाद मैं इनका कर रही हूँ टीका रोली चावल से, क्योंकि बिना दक्षिणा दिए कोई भी काम संपूर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर कन्याओं के लिए देंगी अभी दक्षिणा, उनका टीका करूँगी, उसके बाद फिर उस वाले घर में इंतज़ार कर रहे हैं पापा जी और फूफा जी सब लोग, तो उनको जाकर भी खाना खिलाना है। मम्मी जी बोली अब कन्याओं को यहाँ खिला दिया, अपने सब लोग उधर वाले घर में ही चल के खा लेंगे। भूमि आशीर्वाद दो अच्छे से मामी को, मामी को आशीर्वाद दो। चलो तो सिर पे हाथ रखो, बोलो खुश रहो, ऐसे करो खुश रहो, बोलो अच्छे बड़े हो जाओ, आ जाओ। चलो मैं आई हूँ ऊपर, अपने कपड़े वगैरह चेंज करूंगी, और पास में भजन भी है, नीचे का सामान पूरा किचन वगैरह समेटना है। अभी हमारे पतिदेव जी क्या कह रहे हैं अनिक से, क्या कह रहे हो? ये तो भैया, पापा गोरे, मम्मी गोरी, पैसा गोरी, पप्पी गोरी, तू काला क्यों है? तू काला क्यों है पहले बता। वो काला नहीं, वो सांवला हो गया है। ऐसा ना हो नायशा भी ऐसी हो जाए बड़ी, हो इनके इतनी उम्र में। और देखो खा पी के आराम से लेटे हैं। अभी मैं जा रही हूँ, नीचे का पूरा सामान मुझे समेटवाना है, और आज उसी घर में है भजन भी, और साथ में आपको घर भी दिखाऊंगी। तो ये वाला ब्लॉग मैं सोच रही हूँ अपने यहीं पर एंड करती हूँ, अगर रहा तो इसी को ही कंटिन्यू रखूंगी, पर फिलहाल तो अभी मैं ये साड़ी वाड़ी चेंज कर लूँ। बताना मुझे कमेंट करके साड़ी कैसी लग रही है, क्या है, कितने मजे है ना, खा पी के बढ़िया आराम से लेटे है ना, इसको कहते हैं ऐश है ना। मुस्कुराहट की थाली से जलने वाले, हाँ, दूसरों की थाली से जलने वाले सो जाओ है ना। अरे यार पापा यार प्लीज मेरे हाथ को भी आराम दो, ये तो काला क्यों है? एक मेरे हाथ को भी, तू काला क्यों बता पहले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, कपड़े वपड़े चेंज किए कि नीचे जाके बहुत सामान फैला हुआ है वो समेटूं जाके। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर पूरे घर में लगा ली है झाड़ू, और पापा जी वगैरह सब लोग खाना खाकर लेट गए आगे हॉल में, भजन उधर स्टार्ट हो चुके हैं तो उधर भी मुझे अभी जाना है। तो बर्तन भी एक तरफ इकट्ठे कर दिए हैं और कुछ धो भी लिए हैं, सारे आंटी के ऊपर नहीं छोड़ते हैं, आधे बर्तन धो लिए और आधे अभी आंटी धो लेंगी। तो बस झाड़ू वाड़ू लगा ली है, और अब करती हूँ किचन साफ, मतलब गैस वगैरह साफ कर लेती हूँ। और देखो मेरी चाची लेके खड़ी है बच्चे को, और फिर इसके बाद में प्रांजल आ गई थी, प्रांजल को भी खाना खिलाया। और यहाँ पर हमारी चाची ना हर समय हंसी मजाक मेरे से ना करती रहती हैं, तो बस चाची से साथ साथ में मजाक हंसी चल रहा है। मैंने चाची से ये भी बोला आप चली जाओ भजन में, तो पर वो नहीं, वो कह रही कि तुम्हें लेके ही चलूँगी, पर नहीं तो फिर तुम कुछ ना कुछ करती रहोगी और जल्दी आओगी नहीं फिर टाइम से।
मम्मी जी ने कहा था कि साथ साथ में ना उस घर में भजन कीर्तन भी करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारी कॉलोनी के आसपास की सारी महिलाएं हैं और कॉलोनी के बाहर की भी हैं, साथ में टीना दी है जो कि बहुत बढ़िया डांस कर लेती है ढोलक पे। और मैं आपको बताऊँ ना, हमारे यहाँ पे जैसे यूपी में आज भी जो बुलावा लगता है, महिला संगीत होता है, तो ढोलक पे ही बहुत बढ़िया डांस चलता है। गानों पे ढोलक पे भी बहुत बढ़िया डांस किया जा सकता है। मैं तो कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा बहुत आता है। नहीं, ढोलक में क्यों रुपए रखे जाएंगे? हाँ, किसकी है? कौन अर्थ? अच्छा वो, अरे तो बाद में दे देना, अभी ताजा ताजा मत दो, कल दे देंगे। हाँ तो भेज दे, वो तो जब शादी की होती तो पूजी जाती है। हाँ दिया, अरे इधर तो आओ मम्मी जी, साड़ी देख रही थी, देख कितनी सुंदर लग रही, बुआ की सबसे बढ़िया है, देखो अच्छी लग रही, खोलो तुम खोलो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, भजन वगैरह हुए उसके बाद साड़ी वाड़ी देखते रहे, घर समेटने में बहुत ज़्यादा समय लगा हम लोगों को, फिर उसके बाद मोबाइल उठाया ही नहीं था। और आज ना मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी यूट्यूब फैमिली की है, आज उनकी शादी की सालगिरह है। देखो जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसे वो एक्टिंग कर रही है उधर। तो आज ना मेरी जो यूट्यूब फैमिली की ही मेम्बर हैं, उनकी आज शादी की सालगिरह है, प्रीति अग्रहरि करके, गोरखपुर से हैं वो, और मेरे डेली व्लॉग देखती हैं। तो आपको ना आपकी शादी की मेरे फ़ोन का ना स्टोरेज वो फुल बता रहा है, तो एकदम से वो बंद हो गई वीडियो। तो आपको आपकी शादी की सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं, और खूब अच्छा जीवन आपका जाए, खूब साथ में रहें आप। और आपने कहा था कि हमारे लिए भी दुआ करना कि हमारा भी मकान हो जाए। ये क्या हो रहा है यार, फिर एसटी कार्ड भर गया, लो हमारा मकान हो जाए। तो बिल्कुल होगा, पॉजिटिव रहिए, भोले बाबा पे जल चढ़ाते रहिए, सब कुछ होगा। देखो मन हमारा अगर पॉजिटिव रहे ना, हम खुद भी पॉजिटिव रहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम ही निगेटिव रहें, दूसरों के लिए निगेटिव बोले, तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलो, आज का ब्लॉग है वो भी मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ, कल के ब्लॉग मिलती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बिना सब्सक्राइब करें बिल्कुल भी ना जाए। तुम बोल दो, चलो हमें बोलना नहीं आता भाई, बोल। तो ठीक है, कल के ब्लॉग, अरे उसके हाथ में लगी, चलो मैं कल के ब्लॉग मिलती हूँ, उसी हाथ को मरोड़ रही हूँ ना ऐसा उसके।